नमस्कार सागर, मैं त्यौहार आते ही अब जो है मिलावट खोरों का धंधा जोरों पर चल रहा है जिया। दरअसल यूपी से सागर में खपाने लाया जा रहा मां बाप पकड़ा गया है बड़ी मात्रा में। ललितपुर से सागर आई बस की डिक्की से 6 क्विंटल मां बाप मिल्क केक जब्त किया गया है। माल लेने स्टैंड पहुंचा युवक स्कूटी छोड़ के भागा है जिया। दरअसल त्योहारों का सीजन आते ही बाजार में मिलावटी मावे का खेल शुरू हो गया। बड़ी मात्रा में मिलावटी मावे से बनी मिठाइयों की बिक्री होती है। होली पर्व से पहले मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने सागर बस स्टैंड पर मिलावटी मावा पकड़ा है और यह मावा ललितपुर से सागर आने वाली बस से पकड़ाया है। हम आपको बता दें, कल जो है गुजराती नमकीन फैक्ट्री पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी और लगातार ये कार्रवाई जारी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि सागर में मीठे और मिलावटी मावे के उपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर मावा के परिवहन की जानकारी निकाली गई। इसी बीच पता चला कि ललितपुर से सागर आ रही शबनम ट्रेवल्स की बस क्रमांक UP 94-3607-05 में मीठा मावा लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम के साथ बस स्टैंड पर पहुंचे और स्टैंड पर बस के आते ही डिग्गी की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 9 बोरियों में करीब 5 क्विंटल मीठा मावा और 1 क्विंटल मिल्क केक बरामद हुआ है। बस से उक्त मावा लेने स्टैंड पर पहुंचा एक युवक अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले में खाद्य विभाग की टीम ने मावा और मिल्क केक जब्त किया है, वहीं स्कूटी को पुलिस के हवाले किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने कहा है कि उक्त मावा ललितपुर से किसी राठौर ने सागर भेजा है। मावे व मिल्क केक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। मामले में जांच की जा रही है। मावे का मालिक सामने नहीं आता है तो इसे नष्ट कराया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च अप्रैल के महीने में ही ये कार्रवाई की जाती है। साल भर अगर इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती रहे तो मिलावट खोर अपनी हरकतों से बाजार, लेकिन साल में एक आध दो बार होती है और वह भी जो है तरीके से अगर इन पर कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से इन पर लगाम लगेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टांस न्यूज़।